हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप आई शेडोज को यूज़ करके कलरफुल लाइनर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर का आई शेडो चूज़ किया है। आप किसी भी कलर का आई शेडो चूज़ कर लें और आप किस तरह से लाइनर क्रिएट कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जो भी आप आई शेडो चूज़ करें वो मैट होना चाहिए और थोड़ा सा वाइब्रेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिमा आई शेडोज चूज़ करते हैं वो इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लगेंगे आपकी आईज़ पे। और ये लुक परफेक्ट है कॉलेज गोइंग लोगों के लिए। अगर आप कॉलेज जाते हैं और आप बहुत सारे लाइनर्स नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप सिर्फ आई शेडोज को चूज़ करके डिफरेंट लाइनर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी आईज़ पे और बहुत ही अच्छी लगती है ये लुक। तो आप ज़रूर क्रिएट करके देखें। So if you're interested how to do this makeup look, then please keep on watching. तो सबसे पहले मैं ब्राउज से शुरू करूंगी और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन की ब्राउ प्रिसाइज पेंसिल। तो मैंने पेंसिल इसलिए चूज़ की है क्योंकि कॉलेज अगर आप जाते हैं तो आप पेंसिल यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है, तो इससे आप बहुत ईजी अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हैं। तो मैं लाइटली अपनी ब्राउज को फिल करूंगी। ये वाला शेड डार्क ब्राउन है। अब अपनी ब्राउ हेयर के अकॉर्डिंगली आप हमेशा शेड चूज करें। तो मैं पहले मैंने लोअर पार्ट को लाइन कर लिया था, अब मैं अपर पार्ट को इस तरह से लाइन कर लूंगी और जो भी एम्प्टी स्पेसेस होंगे उनको मैं बहुत ही लाइटली फिल कर लूंगी पेंसिल के साथ, और स्पूली के साथ मैं जो भी प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगी अपनी आईज पे। अब मैं निक्स का ब्राउ पाउडर यूज कर रही हूँ। मैं ये वाला शेड लूंगी और एक स्मॉल एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं बहुत ही लाइटली अपनी ब्राउज को इस तरह से फिल कर लूंगी। आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब कंसीलर की हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूं ताकि एक प्रॉपर शेप में दे लूं अपनी ब्राउज को। तो इस तरह से अगर आपने थोड़ा सा ओवर ड्रॉ कर लिया है, आप इस टाइम पे अपनी ब्राउज को इजिली क्लीन कर सकते हैं। और ब्रश के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, मॉफी का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आईज। सबसे पहले कंसीलर के लिए मैं मास्टर कंसीलर यूज कर रही हूँ मेबिलिन का, और जो भी पिगमेंटेशन है मेरी आईज पे वो मैं हाइड कर लूंगी कंसीलर की हेल्प से। आप चाहें तो आप आई शेडो बेस भी यूज कर सकते हैं। अब सेट कर लूंगी अपने कंसीलर को प्रेस पाउडर के साथ। अब आईज के लिए मैं नायका का ये वाला ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ और मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज में इस तरह से, ताकि थोड़ी सी मैं अपनी आईज पे डायमेंशन एड कर लूँ। उसके लिए आप कोई भी ट्रांजिशन कलर चूज कर सकते हैं, बट आप चाहें तो आप ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। आई मेकअप के लिए मैं ये चीची कॉस्मेटिक्स की पैलेट यूज कर रही हूँ। मैं ये ब्लू कलर का आई शेडो लूंगी, ये मैट आई शेडो है। आप चाहें तो आप किसी भी पैलेट में से मैट कलर यूज कर सकते हैं। और मैंने टेप अप्लाई की है दी एंड, ताकि जो भी मैं विंग लाइनर क्रिएट करूँ वो बहुत ही क्लीन हो। और अप्लाई करने के लिए आप हमेशा पेंसिल ब्रश यूज करें, उससे आप बहुत ही इजीली लाइनर जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसकी शेप आप क्रिएट कर लेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले विंग से शुरू कर रही हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता कलर की इंटेंसिटी बिल्ड करती जाऊंगी, मैं रीअप्लाई करती जाऊंगी कलर को। और मैं सिर्फ एक ही आई शेडो यूज कर रही हूँ, ब्लू वाला, और आप देख सकते हैं मैं बार बार अप्लाई कर रही हूँ ताकि इंटेंसिटी डार्क हो जाए। अब आईलिड्स के लिए मैं एक स्मॉल एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ और सेम आई शेडो मैंने अप्लाई किया है और मैं बार बार रीअप्लाई करती जाऊंगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप रीअप्लाई करते जाएं कलर को, उससे कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लग रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द फेस। सबसे पहले प्राइमर के लिए मैं मेबरीन का प्राइमर यूज कर रही हूँ और मैं अपने टी जोन पे अप्लाई करूंगी इसको। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए वाला प्राइमर बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर्स यूज करें। अब फाउंडेशन के लिए मैं नायका की स्किन जीनियस फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और मैंने पहले डॉट्स अप्लाई कर लिए थे अपने पूरे फेस पे। और ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन को मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, मॉफी का, और मैं अच्छे से सारी फाउंडेशन को अपने फेस पे इस तरह से ब्लेंड कर लूंगी। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। अगेन, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो लाइट वेट फाउंडेशन है, अगर आप लाइटली अप्लाई करेंगे तो बहुत ही लाइट कवरेज देगी। कंसीलर के लिए मैं एले गर्ल का प्रो कंसीलर यूज कर रही हूँ और जो मैंने शेड यूज किया वो है क्रीमी बेज, और मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लूंगी पहले इसको इस तरह से।
तो अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप पहले कलर करेक्टर अप्लाई कर लें, कोई भी आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप कंसीलर अप्लाई करें। और मैं सेंटर पे अप्लाई कर लूंगी अपने फेस के, तो इस तरह से मैं नोज पे अप्लाई कर रही हूँ, चिन पे, क्यूपिड्स बो पे और फोरहेड पे अप्लाई कर लूंगी। अब स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। अगेन अफोर्डेबल कंसीलर है, अगर आप कॉलेज जाते हैं बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए और काफी डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंसीलर में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बट लाइट कवरेज है, अगर आप थोड़ा सा थिक अप्लाई करेंगे तो आपको फुल कवरेज देगा, तो आप दो लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब सेट करने के लिए मैं फिटमी का प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ, अगेन अफोर्डेबल पाउडर है। और स्मॉल ब्रश की हेल्प से पहले मैं अंडर आईज के कंसीलर को सेट करूंगी ताकि कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज ना हो। तो जो भी क्रीम प्रोडक्ट होते हैं आपको उसको सेट करना बहुत जरूरी है। और बाकी फेस के लिए भी मैं सेम प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ। अब कॉन्टोर करने के लिए मैं सेम नायका का कॉन्टोर डुओ यूज कर रही हूँ और एंगुलर ब्रश के साथ मैं इस तरह से अपनी चीक्स पे अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते कॉन्टोर, बट ब्रॉन्जर या कॉन्टोरिंग करने से आपके फेस में वार्मथ ऐड होती है। अपनी नोज के साइड पे मैं इस तरह से अप्लाई कर लूंगी थोड़ा सा और हल्का सा मैं फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं नायका का ही ब्लश डुओ यूज कर रही हूँ और मैं ये वाला कलर लूंगी, थोड़ा सा डार्क कलर है, आप चाहें तो आप लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। और ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई करूंगी। ये जो मैंने ब्रशेज यूज किए हैं सारे मॉफी के हैं, इनकी लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी ये पूरे सेट के। इसमें फेस ब्रशेज भी मिल जाएंगे आपको और आई ब्रशेज भी हैं। हाईलाइटर के लिए भी मैं नायका का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ और फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी। और ये वाला फैन ब्रश भी अगेन सेम सेट का है, तो आप चेक कर सकते हैं। और अगेन क्वालिटी जो है हाइलाइटर की बहुत अच्छी है, तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाएं। और मैं इंडिया में नहीं रहती तो मुझे सारे इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो इसी में सारे आपको वो वाले प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो आपको इजीली इंडिया में भी मिल जाएं। तो थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड के टेम्पल्स पे अप्लाई कर लूंगी। अब मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, उसके लिए आप कोई भी काजल पेंसिल यूज करें या फिर चाहें तो आप मेबेलिन की जेल लाइनर भी यूज कर सकते हैं। अब सेम आई शेडो यूज कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ एक ही आई शेडो यूज किया है इस लुक के लिए। और स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मच करूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे इस तरह से। आप चाहें तो आप डिफरेंट आई शेडो कलर्स भी यूज कर सकते हैं। अब मैं पिंक कलर का आई शेडो यूज कर रही हूँ, ये भी मैट आई शेडो है। और सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं हल्का सा इसको अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी लुक और कलरफुल हो जाए। अब फॉल्स लैशेज अप्लाई कर लूंगी, उसके लिए मैंने फुल एंड लैशेज यूज किए हैं, मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी लैशेज के। और लैश ग्लू के लिए मैंने आडल की लैश ग्लू यूज की है। मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज कर रही हूँ और मैं अच्छे से कोट करूंगी अपनी लैशेज को ताकि मेरी लैशेज अच्छे से ब्लेंड हो जाए फॉल्स लैशेज के साथ। और मैं लोअर लैशेज पे भी अप्लाई कर लूंगी। अब लिप्स के लिए, लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं हल्का सा लिप लाइन कर रही हूँ लिप्स को। और लिपस्टिक के लिए मैंने चीची कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक यूज की है, ये मैट लिपस्टिक है। अगर आपको ये वाली ऑप्शन ना मिले तो आप मेबेलिन की सुपरस्टे मैट लिपस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे कलर्स हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं स्विस बीटी का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ और मैं अच्छे से स्प्रे कर लूंगी ताकि मेरा मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। हल्का सा मैं हाइलाइटर को रीअप्लाई कर लूंगी थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो ऐड करने के लिए। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज, आई रियली होप आप लोगों को एक कलरफुल लाइनर लुक पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने कहा आप किसी भी कलर का आई शेडो चूज कर सकते हैं, कोई भी वाइब्रेंट कलर आप चाहें तो आप ग्रीन आई शेडो भी चूज कर सकते हैं, पिंक कलर भी चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें
और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करें तो प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम। मैं आपकी सारी लुक्स को रिपोस्ट ज़रूर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे, तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया ऑन माय इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस लुक को, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।